Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. In the last video we started housing and clothing and we studied different types of houses like kacha house, pakka house, multi-story building, tent, igloo, stilt house. Then we studied the features of a good house. Good house ke features we have done and how to keep house clean. This we have done. So regarding houses we have done. Now we will start clothes and fibers, means clothings and fibers. Early human students वो लोग जो बहुत पहले इस अर्थ पे रहते थे, जब क्लोथ्स की और फाइबर की इन्वेंशन मतलब कि खोज नहीं हुई थी, तो जो अर्ली ह्यूमन थे, पहले वाले मनुष्य थे, यूज़ किया करते थे लीव्स, पत्तियाँ एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल. जैसे कोई एनिमल की डेथ हो गई, उसकी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है उसको उतार लेते थे नाइफ से, तो वो स्किन को और यूज जो लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, बनाना लीव्स होती हैं, पाम लीव्स होती हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स बहुत बड़ी होती हैं, तो वो उनको यूज़ किया करते थे कवर करने के लिए देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज़ को. नाउ अडेज का मतलब होता है आजकल. जो आजकल के दिन हैं, वी वियर, हम पहनते हैं क्लोथ्स, कपड़ों को, नॉट जस्ट टू कवर आर बॉडीज. सिर्फ कवर करने के लिए नहीं पहनते हैं हम आजकल कपड़े, पहले सिर्फ कवर करने के लिए ही पहने जाते थे, लेकिन अब सिर्फ कवर करने के लिए नहीं पहनते हैं, बट ऑल्सो और इसलिए भी टू कीप आर सेल्स वार्म इन विंटर, कि हम अपने आप को सर्दियों में कीप आर सेल्स अपने आप को वार्म, गर्म रख सकें. प्रोटेक्ट आर सेल्स, अपने आप को हम बचा सकें. प्रोटेक्ट होता है बचाना. किस किस से बचाना है हमें? फ्रॉम सन्स हीट इन समर, गर्मियों में जब सन की बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हीट हो जाती है, उससे हम अपने आप को बचा सकें. प्रोटेक्ट आर सेल्स, हम खुद को बचा सकें फ्रॉम रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स, कि हम बारिश से बच सकें. और हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि कोई मच्छर कॉकरोचेस हमें बाइट ना कर सकें. एंड अनदर रीज़न है टू लुक गुड, कि हम अच्छे दिखाई दें. So students, what are the main reasons of wearing clothes? These four are the reasons which you need to learn. आप इन lines को 2-3 time बोलेंगे तो आपको ये lines learn भी हो जाएंगी और understand भी हो जाएंगी. Number one, to keep ourselves warm in winter, to protect ourselves from sun heat in summer, to protect ourselves from rain and insect bites, and to look good. Next. Clothes are made up of fibers. Clothes किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं. Fibers are of two type. Fiber दो तरीके के होते हैं. एक होता है natural fiber और एक होता है synthetic fiber. Natural fiber obtained होता है मिलना, प्राप्त करना. Natural fibers मिलते हैं हमें कहाँ से? Either plants, either का मतलब या तो प्लांट्स से मिलते हैं, पौधों से, और हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं. जैसे कि कॉटन है एंड जूट है, दीज आर प्लांट फाइबर्स. कॉटन एक तरीके का प्लांट होता है, उससे हमें कॉटन मिलता है. जूट एक प्लांट होता है, जूट से हमें जूट फाइबर मिलता है. और जो वूल है, ऊन है, एंड सिल्क, वूल और सिल्क हमें पौधों से नहीं मिलती, ये हमें मिलती है एनिमल्स से. जैसे कि वूल मिलती है हमें मैक्सिमम शीप से, और सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से. नाउ यू सी, फाइबर्स मेड बाय ह्यूमंस इन फैक्ट्रीज. फाइबर्स जो मेड बाय ह्यूमंस, जो मनुष्य बनाते हैं इन फैक्ट्रीज में, आर कोल्ड, उनको हम कहते हैं ह्यूमन मेड, मनुष्यों द्वारा बनाए गए, और या सिंथेटिक फाइबर, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं नाइलॉन, टेरिकॉट एंड पोलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर. स्टूडेंट, नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या थे? नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क. दीज फोर आर द एग्जाम्पल्स, इनको आप सर्कल कर लीजिए एंड यू शुड लर्न दिस. एंड जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो मैन मेड फाइबर है, उनका एग्जाम्पल है नाइलॉन, टेरिकॉट एंड पोलिस्टर. नाउ सी नेक्स्ट, As soon as मतलब जैसे ही, विंटर एंड्स सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, सना फाइंड्स, सना पाती है, सना देखती है हर मदर अपनी ममा को
पैकिंग पैक करते हुए वूलन क्लोथ्स, सर्दियों के जो ऊनी कपड़े होते हैं, आप देखते हो ना अपने घरों में जब विंटर्स गई हैं अभी फेब में या मार्च एंड में, आपकी मम्मा वूलन क्लोथ्स को क्या करती हैं, पैक करती हैं, उन्हें अलमीरा में रख देती हैं हर मदर। तो सना की मदर एक्सप्लेन करती है दैट कि दीज आर वूलन क्लोथ्स, ये सर्दियों के ये ऊनी कपड़े हैं एंड आर वोर्न इन विंटर्स ओनली, और इन्हें सिर्फ सर्दियों में पहना जाता है। वूलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप, वूलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ मीन्स अलाउ नहीं करते बॉडी हीट, जो हमारी बॉडी की गर्मी है, टू एस्केप बाहर निकलने में, एंड कीप आर बॉडी वार्म, तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। पीपल, लोग who live at places, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं that are very cold, जो बहुत ठंडी हैं due to a lot of snowfall, due to मतलब उसका reason क्या है कि वहाँ बहुत snowfall होता है, बर्फ़ गिरती है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो लोग wear fur clothes, वो fur से बने हुए clothes पहनते हैं। fur clothes keep them warm, fur clothes उन्हें warm रखते हैं। fur clothes क्या होते हैं, जो एनिमल फाइबर से बनते हैं, जो एनिमल की बॉडी पे मोटी मोटी वूल होती है, फाइबर होता है, उससे फर बनती है, और वो फर से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं और क्लोथ्स उन्हें वार्म रखते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट, और जब गर्मी होती है, वी वियर, हम पहनते हैं लाइट कलर्ड, हल्के रंगों की लिनन और कॉटन क्लोथ्स। लिनन भी एक तरीके का स्टफ होता है एंड कॉटन क्लोथ्स, एक कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम और हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं। दे अलाउ, क्योंकि वो अलाउ करते हैं बॉडी हीट, हमारी बॉडी की जो हीट है, टू एस्केप बाहर निकलने में, एंड कीप आर बॉडी क्लीन, और फिर वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। जो विंटर क्लोथ्स होते हैं, वूलन क्लोथ्स होते हैं, वो हमारी बॉडी हीट को अलाउ नहीं करते टू एस्केप। जो समर क्लोथ्स होते हैं, वो अलाउ करते हैं हीट टू एस्केप। व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है, वी यूज़, हम यूज़ करते हैं रेनकोट्स, अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स। दीज आर मेड ऑफ मटीरियल, ये उस मटीरियल से बनते हैं, जैसे कि जो रेन कॉट है, अम्ब्रेला है, गम बूट्स हैं, ये जिस मटीरियल से बनते हैं, दैट डजेंट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, वो पानी को इस क्लोथ में से पास नहीं होने देता, मीन्स ये हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं तो पानी हमारी बॉडी को टच नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम कहते हैं वाटर प्रूफ मटीरियल, कि ये वाटर प्रूफ है, इसमें से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता। दिस मटीरियल, ये मटीरियल कीप्स अस, रखता है हमें ड्राई, बिल्कुल ड्राई, एंड प्रोटेक्ट्स अस, और रक्षा करता है हमारी फ्रॉम द रेन, बारिश से। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपने ये सारे कीवर्ड्स को रीड करना है, लर्न करना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार इनको रिवाइज भी करना है, लर्न भी करना है, एंड ये ओरल क्वेश्चंस एंड साइंस क्विज को मम्मा की हेल्प से, चैप्टर की हेल्प से एक बार रिवाइज कर लेना, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिलअप्स आपने फिल करने हैं। आप पहले स्टेटमेंट को रीड करें, फिर यहाँ पे आंसर फिल करें। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, देन यू गो इन द चैप्टर, और चैप्टर में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय।